आ रही है। शांति को लाने का जो तरीका है कि ये तरीका है कि साधक, साध्य, साधना और सिद्ध, ये चार अवस्थाएं हैं। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, 45-50 के करीब पहुंच जाता है, तो ये पानी पानी इसमें ठंडा रहता है 2 दिन तक। सर ऐसा तो है कि पहले मैं सोचता रहता था ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अब ऐसा कोई थॉट ही नहीं आता माइंड में, ये हो जाए। अब तो सुबह गए दुकान, अपना दुकान का काम किया, घर आ गए, मेडिटेशन की, साधना की, 10-15 मिनट टीवी देखा और सो गए। बिल्कुल थॉट नहीं है ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई सोच ही नहीं है सर, मतलब उस तरीके की। ये बात मन के शुद्धिकरण की एक स्टेज है, जिसमें कि मन बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करता है। तो भागा दौड़ी जब नहीं, मन भागा दौड़ी नहीं करते, यानी मन के अंदर बहुत सारे डिजायर नहीं उठते। डिजायर का क्या मतलब, कि डिजायर का मतलब कि वो मन की वो गति, मन की वो मूवमेंट जो बाहर शांति, प्रेम, ज्ञान को ढूंढती है, ऐसी गति को, ऐसी मूवमेंट को हम डिजायर कहते हैं। हम उसको डिजायर नहीं कहते हैं कि खाने के लिए पैसे चाहिए, मकान के लिए पैसे चाहिए, वो डिजायर नहीं है। तो उसमें पकड़ना है कि और तो तुम सही कह रहे हो कि आएगा तो सही, काम तो करना है, काम करेंगे तो माया आएगी। ज्यादा कम का दूसरा फैक्टर, पर अब उसमें उसमें क्या है, उसमें और की ललक नहीं है। एक बात क्यों नहीं है, क्योंकि उस और ने, उस और को हमारे मन ने समझ लिया है कि हम और जो मांग रहे हैं, अगर हम हैप्पीनेस के लिए मांगेंगे तो वो हैप्पीनेस बाहर है ही नहीं। एक बात और मांगेंगे, और मांगेंगे, और क्या मांगेंगे, और मांगेंगे क्योंकि जरूरत है, काम किया है, तो काम किया है काम के लिए, तो ये जो काम किया है उसके लिए, ये खेल खेल में करना, ये प्ले और फन के रूप में करना। क्या जी, मैंने टीचर का रोल किया, रोल की फीस लाओ, खत्म। तुम जितना देते हो उसमें संतोष है, संतोष नहीं होता तो फिर मैं कहता कि नहीं कराऊंगा। तो अब फिर अब उसमें भी वो भी नोट करना है कि अब ये इसी तरह से अगर मैं 10 लोगों को संतोष, 10 लोगों पे संतोष करता रहूंगा तो खत्म है, तो वो भी सोचना है। समझ गया, तो वो भी सोचना है कि भाई अच्छा चलो चलो समीर को करा देते हैं। अब दूसरा कहेगा नहीं मेरे पास नहीं है, तो ठीक है भी मत आना फिर। वो भी खेल खेल में किया, कोई नाराजगी नहीं है, मत आना, नहीं कराएंगे, टाइम नहीं। तो अंदर से उसको बैलेंस किया। वापस हम आते हैं इसके ऊपर, सबसे किसी बात को भी पकड़ लो, 4 S हैं, साधना, साधक, साध्य, सिद्ध, सारी चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो हम पहले साधक को पकड़ लेते हैं। साधक का मतलब है सीकर, अंग्रेजी में साधक का मतलब ये है कि वो शिष्य से ऊपर है। शिष्य जो है वो विद्यार्थी से ऊपर है, ध्यान देना, विद्यार्थी से ऊपर, और विद्यार्थी जो है वो एक आम आदमी से ऊपर।
तो साधक बनने के लिए मैं व्यक्ति हूं पहले ये जानना जरूरी। हम अपने आप को एज ए इंडिविजुअल जानते ही नहीं, बात तो करते हैं कि मेरा पैसा है ये वो, वी आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ अवर इंडिविजुअलिटी। अगर कविता नहीं सुन रही है तो ध्यान से उसके ऊपर तुम ऑब्जर्व करना। क्या ऑब्जर्व करना? अच्छा, इसने ये कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, कायन ने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, सानिया ने ये कर दिया, चलो अब थक गई, अब मैं सो जाती हूँ, खाना बनाना है खाना बना ले, पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूं, डूबा डूबा हूं, सब काम ठीक कर रहा हूं, इंटेलिजेंट भी हूं, देखो इंटेलिजेंट भी हूं, पर वो जो मेरा व्यक्तिगत है इंडिविजुअलिटी है। हाँ, इंडिविजुअलिटी को ही धीरे धीरे आगे बढ़ा के हमारे गुरुओं ने कहा कि इसके अंदर आत्मा है। तो देखो कि भाई बाहर सी बीच पे चले जाओ, कितना सुंदर सीन है, बहुत सुंदर है जी। तो बहुत सुंदर है तो आत्मा थोड़ा है वहां, जरूरी नहीं है आत्मा। हीरोइन को देखते हो पूरे कपड़ों में या कोई किसी कपड़ों में, नहीं बड़ी सुंदर है जी, बड़ी अच्छी है, तो उसकी उस रोल में आत्मा नहीं है। हीरोइन हो सकती है कि उसकी इंडिविजुअलिटी हो, पर उस रोल में आत्मा नहीं है, उस रोल में प्रदर्शन है, दूसरे रोल में काम है, तीसरे रोल में और कुछ है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं साधना की, साधक की, तो जब तक मेरा मन ये नहीं कहता कि आखिर मैं जा कहाँ रहा हूं, मन सोचते नहीं कहाँ जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, क्या जरूरत है। तो इसीलिए मैं पूछता हूं कि भाई ये सोचो तुम्हारा गोल क्या है, क्यों है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। साधक तो धीरे धीरे जैसे फंस जाता है, मतलब कि उसको आनंद आने लगता है गपशप सुनने में, उसी को कह रहा हूं फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? यहां पे फिर चार बातें आती, फंस जाते। देखो हमारी इंडियन साइकिल, हमारी साधुओं ने, ये सारे लोगों ने साइकोलॉजी कैसे बनाई हुई। तो फंस जाता है तो उसको कहते हैं बच्चे देखो क्या कहते हैं साधक को, हम अब साधक बनाने की प्रक्रिया को शुरू कहते हैं। देखो भाई फोर कनेक्शंस हैं, अधिकरणम, वो क्या कहते हैं चतुष्टय अधिकरणम, कि भाई अपने मन को देखो, मन के अंदर अशुद्धि है, एक बार मन के अंदर विक्षेप है, तुम जहां शांति देख रहे हो वहां शांति नहीं है, तुम उसके साथ जोड़ के देख रहे हो कि नहीं आखिर सर पैसा तो कमाऊंगा, तुम मन जुड़ा हुआ है पैसा तो कमा नहीं, तो विक्षेप है और आवरण है और मल है, तो तीन इम्प्योरिटीज है। जब तक इस अशुद्धियों को दूर नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इस पर विचार करो, इस पर मनन करो, इसको देखो। दूसरी ये है कि तुम्हारा गोल बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर बार बार अपने मन को जो लाने लगता है कि मैं कौन हूं, संसार क्या है, भगवान क्या है, और इन तीनों को समझने के बाद मुझे क्या करना, कैसे रहना, ये सब्जेक्ट मैटर है हमारा। और गोल क्या है? गोल वही है, काम सफरिंग कहां होती है, संसार में, मेरे अंदर, दो ही तो जगह है। तो सफरिंग को खत्म करना, पर सफरिंग को खत्म करने के साथ साथ मुझे आनंद भी चाहिए, दोनों बातें चाहिए।
तो सफरिंग खत्म कर दी और आनंद चाहिए। तो जब ये व्यक्ति समझने लगता है, ऐसा नहीं कि ये समझने लग गया एक दिन दो दिन एक हफ्ते दो हफ्ते छह हफ्ते, तो सारा फिल्टर आउट कर दिया कि मुझे ये जानना जरूरी है मैं कौन हूं। दुकान पे बैठा हूं तो भी, घर पे बैठा हूं तो भी, बीबी के साथ बैठा हूं तो भी, बच्चे के साथ बैठा हूं तो भी, मुझे ये जानना जरूरी है कि मैं कौन। मैं तो सभी में हूं, बीबी के साथ हूं तो मैं हूं, बच्चों के साथ हूं तो मैं हूं, मेरे साथ हूं तो मैं हूं, दुकान पे हूं तो मैं हूं, डैडी के साथ, ये मैं कौन है। तो जब इसकी इच्छा शुरू होती है जानने की, तो मन अपने आप अंदर आने लगता है। तो मन जब अंदर आने लगता है, अब वो चाहे एक साल में आए चाहे चार साल में, तो जैसे ही वो आने लगेगा वैसे ही मन से बदलाव, मन में बदलाव आएगा, एंग्जाइटी अपने आप छूट जाएगी। तो मैंने कुछ किया नहीं, हमारी एंग्जाइटी अपने आप छूटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली इशारा किया। तो जैसे वो छूटने लग जाती है तो अपने को भी पता लगता है और टीचर को भी पता लगता है कि चलो चलो अब ये विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी हो गया। तो विद्यार्थी के बाद क्या कहते हैं, विद्या की अर्थी को उठाना, अब इससे पार जाना पड़ेगा तभी शिष्य होगा। तो शिष्य का मतलब यह है कि वो क्वेश्चन पूछे किसके बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, मैं कौन हूं उसके बारे में, अपनी समस्या के बारे में, और उस समस्या को जोड़े, किससे जोड़े, साधना से। तब जाके क्या होता है, वो शिष्य हो गया। शिष्य हमेशा तैयार है सीखने के लिए। अब शिष्य जब पढ़ करने लगता है, शिष्य ये नहीं कि बाहर कोई उसका गुरु है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आग लग जाती है अंदर कि अब इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में, अब समझ में आ रहा है करना ही है। सुबह शाम दोपहर दुकान पे जा रहे हैं तो अंदर भाव बना हुआ है, बीवी के साथ बैठे हैं तो अंदर भाव बना हुआ है। ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो आदमी साधक बन जाता है। ऐसे साधक ही साधना कर पाते हैं सही में, बाकी तो चलता है। एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिया, तीन दिन छोड़ दिया, फिर वापस आ गए, फिर भटके, रेगुलर करते रहे। पर अभी रेगुलर करते रहने में भी साधक बनने के लिए तैयारी, जैसे जैसे हम साधक बनते हैं वैसे वैसे चेंजेस भी आनी शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद डॉक्टरी करने के बाद ही प्रैक्टिस करनी, इसमें तो बस अभी किया अभी रिजल्ट, ये खूबी है। तो भाई साधक की बातचीत होगी, साधक क्या करेगा, साधना करेगा। साधना क्या है? तो साधना की आज की चर्चा में हम समझते हैं 7 स्टेजेस हैं साधना की। पहली स्टेज क्या है, इग्नोरेंस है, मैं बड़ा दुखी महा दुखी, कोई बीवी को लेकर दुखी है, कोई बीवी नहीं है इसीलिए दुखी। कल वो कह रहा था, कहता है सर आप समझते नहीं हैं कि सर मेरा मन करता है कि कोई हाथ में हाथ लेके बैठे, 60 साल का मेरी उम्र का ही। मैंने कहा अच्छी बात, और कोई हक करे। मैंने कहा अच्छा, और कहते हैं सर फिर वो प्लेजर में जाए। मैंने कहा और मैंने कहा जो तुम्हें हक करने लगे उसके अंदर से बदबू आ रही हो, सर आप नहीं समझ रहे। मैंने कहा तुम नहीं समझ रहे, जरूरी है हमेशा खुशबू आएगी,
नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा अब सपने लो, आंख बंद करो कि ये देखो तुमने हक किया, एकदम तुम्हारे अंदर से बदबू आई, इरिटेशन हुई, तुमने झटका दिया और दूर हो गए। मैंने कहा ये पॉसिबल है या नहीं? हाँ सर पॉसिबल है, मैंने पहली बीवी को डाइवोर्स किया, उसमें बहुत बार ये था, मैं उसको कई बार समझाता था। तो इसको हम कहते हैं अज्ञान, कि मैं ये हक करने से शांति ढूंढ रहा हूं, प्रेम ढूंढ रहा हूं, ज्ञान ढूंढ रहा हूं, खुशी ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा कहीं नहीं होने वाला, मैंने कहा अपना भेजा ठीक करो, जाओ उस तरफ। यहां 60 साल में लोग नहीं कहते बूढ़े हो गए, 60 साल में कहते हैं अभी तो यंग है, अभी तो एक दो बार और शादी कर सकते। या ये सब बड़ा आराम से चलता है, इसीलिए तो पहली बात हमने क्या देखी, अज्ञान की। दूसरी बात, अब ये अज्ञान के कारण क्या होता है, अज्ञान के कारण क्या होता है, क्या होता है? देखो अज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है कि इस पिज्जा में खुशी है, मन ने ऑटोमेटिकली बना लिया, तो पिज्जा में खुशी है, अज्ञान हो गया। तो अज्ञान के बाद क्या होता है कि मन जो है उसको जब पाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि आवरण हो जाता है, वेलिंग पावर होती है, पर्दा लग जाता है, फिर पिज्जा नहीं दिखाई देता, फिर दिखाई देता है कि खुशी दिखाई देती है। अब इसका मतलब क्या है कि तीसरे स्टेज पे आती है कि मेरे जो मैं भी जिस तरीके से जी रहा हूं वो सब अजीब अजीब सा, वो सब लगता है कि मेरे अनुसार सही है। तो उसको हम बोलते हैं विक्षेप। तो मतलब मैं ये देखता हूं कि ये संसार जो है केवल और केवल भोग के लिए, प्लेजर के लिए, पिज्जा प्लेजर, बीवी प्लेजर, पति प्लेजर, उसके लिए। तो वहां पर हम क्या प्रिंसिपल लगाते हैं, श्रेयस और प्रेयस, साधना की बातचीत चल रही। तो भाई अब हम मन को कहते हैं तू समझ ना, क्या समझ, श्रेयस और प्रेयस, संसार भोग के लिए है या संसार मुक्ति के लिए, संसार आनंद के लिए, आनंद अंदर। तो जब ये बात हमें तीन लेवल पे जब हमें समझ आने लगती है, तो एक तरफ तो हम साधक बन रहे, शिष्य हो गए, और दूसरी तरफ साधना भी चल रही। देखो दोनों चीजें चल रही। हाँ दोनों चीजें चल रही हैं। तो दोनों चीजें जब चलती हैं तब जाके, दोनों चीजें चलती हैं तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, अब आती है मेन कहानी, तीन बातें होने के बाद चौथी कहानी मेन है। चौथी कहानी को कहते हैं डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं, किताब से ले लो शास्त्र हो गया, गुरु से ले लो दूसरा हो गया। हाँ जी शास्त्र गुरु, भगवान से एकदम आ जाता है ज्ञान, प्रहलाद को आ गया, देखो ना हमारे यहां है बहुत सारे, प्रहलाद को आ गया, अष्टावक्र को आ गया, 13 साल में जनक का गुरु बन गया, विवेकानंद को आ गया। हाँ जी, और तो क्या है, देव कृपा हो गई, और चौथी है आत्मा, बिना साधना किए ज्ञान आ गया। हाँ बिना साधना किए, पर बाद में फिर उसको उतारने के लिए तो साधना की, ज्ञान पता लग गया कि हाँ मुझे इसी पे जाना। मुझे तो हनुमान को लड्डू खिलाने के बाद पता लगा ना, उसको बिना खिलाए पता लग गया कि उधर जाना ही, अब खाली साधना करनी, तो उतना टाइम बच गया ना।
उतना टाइम बच गया ना। तो वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे, उसको हम कहते हैं कि पिछला जन्म बढ़िया था, पिछले जन्म में साधना की होगी, वो दूसरा टॉपिक है। तो चौथे में हम डायरेक्ट नॉलेज में जब हम जाते हैं, तो डायरेक्ट नॉलेज में फिर ये चार बातें आती हैं, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, देव कृपा और आत्म कृपा। तो वो कई बार मैंने बातचीत की थी, आत्म कृपा सबसे ऊपर, पर वो आत्म कृपा तब तक नहीं आएगी जब तक ये तीनों कृपा कुछ कुछ परसेंटेज में साफ ना रहे। तो गुरु कृपा इसीलिए कहते हैं कि गुरु जिंदा है, जिसको देखते हो, जिसको सुनते हो, जो दिशा को बदलता है, जो करंट स्टेट को बदलता है। किताब तो नहीं बदलेगा ना करंट स्टेट को, किताब में जो लिखा है लिखा है, समझ में पल्ले पड़ी तो ठीक है, नहीं पल्ले पड़ी तो गए, छोड़ दिया, फेंक दिया किताब को, गुरु को तो नहीं फेंक सकते ना। तो दूसरी कृपा जो है गुरु, तो वो भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, कोई पढ़ना, और इतना विश्वास कि कुछ तो है, कुछ तो है जिसको मैं भगवान कहता हूं, कुछ है, अंदर जाना है। हनुमान जी की मूर्ति को देखना है तो अंदर जाना है कि कुछ तो है, जो है वो मेरे अंदर उतरे, इतना विश्वास। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, देवी की भी, किसी की भी, वो भी नियमित रूप से, एक श्रद्धा मन को, मन की दिशा को बदलती है। तीनों चीजें आत्म कृपा में आती हैं, क्योंकि जब हम ये आत्म कृपा का मतलब ये तीनों तो करते ही हैं, हम उससे ज्यादा भी करते हैं। तो देखो, हमने साधना भी शुरू कर दी, ये डायरेक्ट नॉलेज है, चौथा स्टेप। इन चौथे स्टेप पे हम सिद्धांतों को पढ़ते हैं, गुरु समझाता है, उसको खोलता है, उसको तुम्हारी प्रॉब्लम से जोड़ता है, तुम्हारी समस्याओं से समझाता है और साधना करवाता है। और उस साधना, ये गपशप भी साधना है, ये सुनना और उसको समझना भी प्रैक्टिस, इससे भी मन खाली होता है, और दूसरी प्रैक्टिस करना है वो भी साधना। सब साधना बहुत तरीके से होती है। हमारे पुराणों में क्या कहा कि जैसे ही तुमने सुनना शुरू किया, श्रावक हो गए, श्रोता, तो जैसे ही कोई श्रोता हो जाता है वो साधक हो जाता, साधक बनने की तरफ बढ़ गया। तो वो भी एक तरीका है। चलो, तो ये डायरेक्ट नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। कुंडलनी मेडिटेशन आ गया, बुद्ध का ध्यान आ गया, माइंडफुलनेस आ गई, जो सिनर्जी और दुनिया भर की तमाम प्रैक्टिसेस करवाई हैं, वो सब आ गई। तो ये जो ब्रिज बन गया, देखो ये चौथा जो है ब्रिज बना, सबसे ऊपर क्या था, ज्ञान, आवरण, विक्षेप, ये इन तीनों के कारण तो समस्या थी। चौथी क्या हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान, तो ये चौथा आ गया। और उसके ऊपर क्या, पांचवा, अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान क्या होता, कि अब तुमने साधना की, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की, तुमने अभी कहा कि अब जो है मेरा मन इधर उधर नहीं भागता, अंदर शांति बनी रहती है। आंख से तो नहीं देखी शांति को, मन से कितने भी उसको शब्द दे दो, वर्ड्स दे दो, तो उसका तभी नहीं समझा जाते, पर हमें लगता है कि अंदर शांति। अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष का क्या मतलब है,
कि जो मन और इंद्रियों से शांति नहीं आई है वो मेरे अंदर शांति उतर के आ गई। तो फिर क्या होता है, तुम किसी दिन तुमने ध्यान किया, मन पूरी तरह से डूब गया, दूसरे दिन ध्यान किया और लगा कि अरे आज तो आनंद ही आनंद है, तीसरे दिन किया, तो वो सारे अपरोक्ष ज्ञान आते हैं। देखो कितनी बढ़िया स्कीम बनाई है, पहले तीन अज्ञान आवरण विक्षेप, इन तीनों से संसार में, जिस संसार में हम रहने उस संसार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इन तीनों के साथ अगर हम रहते हैं। तो चौथी बात क्या आई, हमने उसके ऊपर हमने डायरेक्ट नॉलेज, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान किससे मिला, शास्त्र गुरु देव कृपा और आत्म कृपा। क्या क्या युक्ति बनाई। अब यहां पे ये चौथा ब्रिज है, चौथे पे अगर हम बने रहते हैं तो ये नीचे नहीं जाने देगा, चौथा छोड़ दो तो फिर फंस गए नीचे। नहीं सर ये वो तो फिर मैं दुखी हो गया, आपने तो ध्यान बताया तो पहले कहते थे तुम खिचनी होती, कविता रोती थी, कहती सर इंजेक्शन ही लगवा देते हैं, ठुकवा दो पांच सात। नहीं सर सोए नहीं है तो ले जाए, मैंने खिला दो, मैं थोड़ा डॉक्टर हूं, पूछो डॉक्टर, इंजेक्शन ठुकवा दो, गोलियां खिलवा दो। कविता नारा वो बड़ा दुखी होके कहती थी, कहती सर मेरा पति दुखी। एक दिन मैंने कहा सारे दुख ले लो इसके, इतना ही रोना है तो। ये सब अज्ञान के अंदर आते हैं। तो फिर वापस हम चलते हैं, तो ये चौथे के ऊपर कांस्टेंट बने रहना जो है इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी डील है ये लाइफ की, बहुत बड़ी डील। और फिर ऊपर से गए तो अपरोक्ष ज्ञान आया, पांचवीं हो गई बात। तो जैसे जैसे वो ज्ञान और अनुभव आने लगता है तो हमारे दुख दूर होने लगते हैं अपने आप। अभी पिछले कई महीनों से तुमने कहा कि नींद नहीं आती, अब तो कहते हो अब तो नींद ही आती है, क्या करें, तो दुख दूर होने लगते हैं। तो ये जब दुख उस लेवल तक दूर होते हैं जो हमारे गुरु लोग कहते हैं, तो सातवीं स्टेज में क्या होता है, अवेकनिंग। सातवीं स्टेज में अवेकनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं निर्वाण, आनंद की प्राप्ति और ब्ला 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 ब्ला, लंबी कहानी। तो ये सात स्टेजेस हैं। तो साधक जो है ना ही उसका ज्ञान प्राप्त करता है, उसको समझता है, उसके ऊपर मनन करता है, बल्कि फिर तैयार रहता है साधना के लिए, कौन कौन सी साधना करनी है, कैसी करनी है। तो वो गुरु बताता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, ईश्वर में जो अंदर बैठा हुआ है ईश्वर उसमें विश्वास कर, हनुमान जी को बाहर देखते हुए भी अंदर विश्वास करता है, तेल चढ़ाने नहीं जाता। अब वो चीजें छोड़ दी, वो चीजें पकड़ी रहेंगे, अगर खेल खेल में पकड़ी है तो ठीक है, अगर डर के साथ पकड़ी है तो मन को वो फिर नीचे ले जाए, तो वो जो फोर्थ स्टेज है उससे हम फिर नीचे गिर। ये हो गया। तो अब इसी में से निकालना है। तो पहली बात हमने साधक की, दूसरी बात हमने साधना की, अब तीसरी बात ये है साध्य। साध्य का मतलब कि आखिर गोल क्या है। तो गोल देखो पांचवा, छठा और सातवां, इसी में से आ गई, सेवन स्टेजेस में से।
दुख की निवृत्ति, एंड ऑफ सफरिंग एंड अवेकनिंग टू इनर पीस एंड हैप्पीनेस। उसके बाद चौथी अवस्था आती है सिद्ध। तो साधना भी छूटी अपने आप, साधक भी गुल हो गया, साध्य भी गुल हो गया, सिद्ध। तो बुद्ध को सिद्ध कहते हैं, विवेकानंद को सिद्ध कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस को सिद्ध कहते हैं। तो वहां तक हमारी यात्रा होनी चाहिए, बीच में नहीं छूटनी चाहिए। सर मीराबाई भी सिद्ध थी। मीराबाई जो थी वो सिद्ध थी। हाँ, लेकिन वो तो बाहर जो है ढूंढ रही थी खुशी, कृष्ण प्रतिमा की ढूंढती थी। शुरुआत उसने की, देखो ये उसमें भी जो सेवन स्टेजेस हैं, सेवंथ जो स्टेज है सेवंथ स्टेज में हम ईश्वर को निर्गुण निराकार के रूप में पूजते हैं। जैसे अब मेरे जीवन में वो अवस्था आ गई है, निर्गुण है और निराकार। दूसरा होता है सगुण निराकार। तो सगुण निराकार क्या होता है? हाँ, तो अगर मैं मंदिर में जाता हूं तो कोई बुलाता है तो ठीक है जी, चलो भगवान हनुमान जी की जय हो, बाहर से तो खेल, अंदर से मैं उसी को देखता हूं। सगुण निराकार, चाहे वह हनुमान जी हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे काली हो, चाहे पीली हो, बाहर तो ठीक है, बाहर हाथ ही जोड़े, पर देखना अंदर है। सगुण बाहर, निराकार अंदर। सगुण निराकार, फिर एक और होता है सगुण और निर्गुण को देखना। सगुण निर्गुण कि सारे गुण है तो मतलब बाहर पूजा करनी है पर मन को अंदर ले जाना है, निर्गुण। ठीक है जी, तो हमारी मीराबाई थी इस कैटेगरी में, सगुण निर्गुण। बाहर तो शरीर मन सब डांस कर रहा था, राम रतन धन पायो, कैसे पता लगा? कृष्ण की दीवानी और कह रही है राम रतन धन पाए, कोई अंतर नहीं, निराकार। कृष्ण की तो दीवानी और कह रही है राम रतन धन पाए, ये थोड़ा कहा कृष्ण रतन धन पाए, समझे? तो कोई अंतर नहीं देखा। तो जब मैं कोई अंतर नहीं देखता तो मैं अंदर देखूंगा ना, निर्गुण देखूंगा, बाहर कुछ भी करता। देखा, तो मेरा भाई का तुमने सही एग्जांपल दिया। तो मुझे याद आ गया राम रतन धन पायो, ये नहीं कहा कृष्ण रतन धन पायो, क्या मतलब हुआ? कि बाहर तो ठीक है ये तुम राम हो तुम कृष्ण हो, अंदर तो वही निर्गुण सच्चिदानंद। तो सिद्ध अवस्था में जो है ये सारे भेद मिट जाते हैं। सिद्ध अवस्था में तो पूजा हम भी करेंगे, हाँ जी पूजा सब लोग हम भी करेंगे, पर हमारी पूजा में हमारा मन जो है डिमांड नहीं, इस मन के अंदर कोई डिमांड नहीं है।
मन जो है वो देखता है उस कृष्ण को, उस काली को, उस हनुमान को बिल्कुल अंदर, निर्गुण निराकार के रूप में, सचित सतचित आनंद के रूप में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, राम रतन धन पाए। तो जब दूसरे की बीवी को अपनी बीवी समझने लगोगे तो सारा भेद मिट जाएगा। कविता मारेंगे सिर पे। तो लो